दुकानों के पारे ना बीच ही बाहर कर दीजिएगा, आपका कोई मेडल का सामान अंदर नहीं जाएगा। कैंडिडेट आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, स्कैन आईडी नहीं चलेगा। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर2 डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट है, 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और 3 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से जो है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, मेरे प्रिय भाई आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, नहीं तो आपको जो है कि एंट्री नहीं मिलती है। काफ़ी लोग रोते रह जाते हैं फिर भी एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि उनको एक तरह से फर्जी समझा जाता है। तो आप जो है कि लीगल तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए, लीगल तरीके से आप जो है कि एंट्री लीजिए। इलीगल तरीके से काम करेंगे तो आपको न तो एंट्री मिलेगी न ही कोई आप काम कर सकते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं, कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पहला आपको जो है कि एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है भाई मेरे, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वो भी देखिए कलरफुल ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, यदि कलरफुल नहीं ले पाते हैं तो और भी अच्छा के कम में आ जाएगा थोड़ा। तो आप कोशिश करिएगा कि कलरफुल ले लीजिएगा प्रवेश पत्र, ताकि जो है कि आपकी फ़ोटो जो है कि साफ साफ दिखाई दे, जो एंट्री ले रहे हैं ऑफिसर आपको जो है कि अच्छे तरीके से पहचाने, आपको एंट्री दे दें। प्रवेश पत्र आप ले लीजिएगा, इसके बाद पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम फ़ोटो ले लीजिएगा, जो कि दो फोटो आप नवीनतम 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय, जो प्रवेश पत्र में रिपोर्टिंग समय दिया गया है भाई मेरे भाई, आप उसी समय जो है कि पहुंच जाइए, उससे एक घंटा पहले ही पहुंच जाइए। यदि दूर सेंटर है तो एक दिन पहले ही जो है कि वहां पर सेंटर पर जाकर किसी होटल में रूम लेकर आप जो है कि रह लीजिए, ताकि आप जो है कि टाइम से एग्ज़ाम दे पाएँ। इसके बाद अभ्यर्थी को बताया गया है कि अभ्यर्थी ध्यान दें, किसी भी उपस्थिति में कारणवश यदि कोई परेशानी आपके साथ होती है, कोई आप जो है कि ट्रेन छूट जाता है या ट्रेन लेट हो जाती है, यदि आप जो है कि सही समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आप जो है कि कोई भी अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के बाद पहुंचता है तो उसको जो है कि एंट्री प्रवेश समय के बाद गेटों की सख्ती बंद कर दिया जाएगा और आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले पहुंचिए, ताकि ट्रेन 4 घंटा 5 घंटा लेट भी हो तो आप पहुँच जाइए अच्छे तरीके से। देखिए इसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि स्पष्ट फ़ोटो वाला मूल रूप से कम एक फ़ोटो युक्त वैध पहचान प्रमाण फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे में आपको जो है कि हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा कर्मचारी द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र में, ठीक है, विश्वविद्यालय स्कूल द्वारा जारी किया गया कॉलेज पहचान पत्र, मतदाता मतलब वोटर आई डी पैन कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक का जो है कि पहचान, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अन्य फोटो पहचान प्रमाण। तो ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसमें से जो भी आपके पास हो आप ले जा सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि यदि जो है कि यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्व जन्मतिथि अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा, जिसमें जन्मतिथि वही हो जो प्रवेश पत्र में अंकित है, जैसे CBSE, ICSE बोर्ड जैसे 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक, अंक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लेख जन्म जो भी बताया गया है कि 10वीं का प्रवेश पत्र भी ले जा सकते हैं, प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं, अंक प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लेख जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो, आपके एडमिट कार्ड से मैच करें, ठीक है मेरे भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि फेस मास्क लगा लीजिएगा अपने सुरक्षा के लिए, हैंड सैनिटाइजर 50 ml का ले लीजिएगा, ताकि आप जो है कि हाथों को हमेशा साफ़ सुथरा करते रहिए, कोई भी आपके जो कि इन्फेक्शन ना हो। पारदर्शी पानी का 500 ml का आधा लीटर पानी ले लीजिएगा अपने स्वयं पीने के लिए, ताकि आप जो है कि इन्फेक्शन से दूर रहे, कोई भी कारोबार आपको जो है कि इन्फेक्शन ना हो। प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया COVID-19 घोषणा पत्र प्रिंट आउट ले लीजिएगा और भरने के
आगे मैं आपको भरना भी बताने वाला हूँ कैसे आपको भरना है, ठीक है। तो कोविड 19 फॉर्म जो कि 2022 में दिया गया था और 2023 में यदि दिया जा रहा है तो आप भर कर ले जाइए, नहीं दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद नीचे है आपका जो है कि परीक्षा के अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अभ्यर्थियाँ रद्द कर दी जाएगी। तो मतलब नेक्स्ट आप एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाएंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा बैठने की अनुमति दी जाएगी। जो भी आपका स्थल होगा जिस भी समय में वही आप जो है कि दे पाएंगे। अभ्यर्थी सलाह दी जाती है कम से कम एक दिन में पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि परीक्षा की तारीख पर समय से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हो, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी को अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा। ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो कि लड़कियाँ हैं अपना कान का बाली ये नथिया इस जो भी होगा छोटा सा अपना निकाल लीजिएगा, सिंपल सा स्टूडेंट की तरह आप जाइएगा और पेन कापी पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जाना है, या आप स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, मोबाइल हो गया, लैपटॉप या कैमरा जो भी आपको नहीं ले जाना है। अभ्यर्थी को दिए गए कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी टाइमर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें। परीक्षा शुरू होने के बाद अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करें, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको कोविड-19 फॉर्म भरने सिखाने वाला हूँ कैसे आप जो कि कैसे भरेंगे। मैं अतः द्वारा ये घोषणा करता हूँ कि कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हो। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, रोल नंबर जो कि एडमिट कार्ड पर दिया गया है यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, परीक्षा का नाम दिल्ली पुलिस, ठीक। परीक्षा की तिथि की डेट को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, परीक्षा पाली किस पाली में है, प्रथम द्वितीय तृतीय यहाँ पर फिलअप करना है। परीक्षा केंद्र का नाम जिस सेंटर पर आप गए एग्ज़ाम देने उस सेंटर का नाम यहाँ पर लिखिएगा। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको जो कि एंट्री के समय ये जो है कि देना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री होगी। सॉरी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, स्कैन आईडी नहीं चलेगा।